सारियां नूं सत श्री अकाल, स्वागत करती हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते। मैं हाँ सुमनप्रीत कौर, अज है 6 अक्टूबर 2023। अज की इस वीडियो दे विच असी करांगे 6 अक्टूबर 2023 दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट करंट अफेयर दे MCQ। हर एक MCQ दे नाल रिलेटिड मैं तुहानूं इंपोर्टेंट फैक्ट भी दसांगी, सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल सुनना। जिहड़े भी स्टूडेंट इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं और टैलीग्राम चैनल पर विजिट करके इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। टैलीग्राम चैनल का लिंक मैं तुहानू इस वीडियो के हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दे दिता होया है। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाल ही विच केड़े विज्ञानियों नू संयुक्त रूप विच 2023 लई रसायनिक विज्ञान विच नोबल पुरस्कार दिता गया। देखो जिहड़ा नोबल पुरस्कार है विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार विचों एक आ, ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया के सब तो वड्डा पुरस्कार आ नोबल पुरस्कार। तो 6 खेत्रां दे विच दिता जाता वा। 6 खेत्र कि तुसी हुण ध्यान नाल सुन लो, मैडिसन, फिजिक्स, कमिस्ट्री, शांति, इकनोमिक्स अते साहित्य दे खेत्र विच दिता जांदा। ते कल ही मैं तुहानू करवाया सी कि कैटालिन कारिको अते ड्रू विसमैन नू मैडिसन दे खेत्र विच 2023 दे नोबल पुरस्कार दे लई चुनिया गया। अक्टूबर दे विच नोबल पुरस्कार दी घोषणा हुंदी आ, 10 दसंबर नू नोबल पुरस्कार दिता जांदा वा। हुण तुसी इह ध्यान दे विच रखना। हुण देखो क्वेश्चन इह आ कि किहड़े विज्ञानियों नूं संयुक्त रूप में 2023 लई रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार दिता गया, जाने के कमिस्ट्री के खेत्र में नोबल पुरस्कार लई चुनिया गया। तो यह है जी मोंगीजी वावेंडी, लुईस ई वर्स, अलैक्सी आई मकियोव अकीमोव। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सारे ही, मतलब इन्हां तिन्हां नूं कमिस्ट्री के खेत्र में चुनिया गया वा। तो वध तो वध एक खेत्र विच तीन ही लोग चुने जाते हैं नोबल पुरस्कार के लिए, यह भी तुसी ध्यान दे विच रखना। तो कमिस्ट्री के खेत्र विच तीन चुने जाने वाले व्यक्ति ने, तो इमेज दे विच भी तुसी देख सकते हो, मोंगीजी वावेंडी, लुईस ई वर्स, अलैक्सी आई अकीमोव। नैक्सट क्वेश्चन, एशियाई खेडां 2023 विच नीरज चोपड़ा ने किहड़ा मैडल जितया। हाँ जी, एशियाई खेडां 2023 विच नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर जैवलिन थ्रो करके सोने का मैडल जितया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो देख सकते हो तुसी इमेज दे विच नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, हाल ही विच अनाथ बच्चों लई एक स्कीम बनाउण वाला पहला केड़ा राज बनिया वा। हाँ जी, अनाथ बच्चों के लिए एक स्कीम शुरू की है हिमाचल प्रदेश की गौरमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हुण हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, तो देख सकते हो तुसी मैप दे विच हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आ, दो कैपिटल आ, एक समर आ, समर कैपिटल आ शिमला, विंटर कैपिटल आ धर्मशाला। इतों के चीफ मिनिस्टर आ सुखविंदर सिंह सुखू, गवर्नर आ शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश दे विच ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क आ, पिन वैली नैशनल पार्क आ, इंडरकिला नैशनल पार्क आ, खीर गंगा नैशनल पार्क आ, सिंबलवाड़ा नैशनल पार्क आ, रोहिला नैशनल पार्क आ। इतों के फेमस लोग नाच आ छपेली, तो हिमाचल प्रदेश दे विच खजियार झील आ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुदरती खेती उत्साहित करने लई मोबाइल बैन प्रोग्राम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपाहज बच्चों के सशक्तिकरण लई सबल योजना की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत आयुष्मान योजना सफाई कर्मचारियों शामिल किया। हिमाचल प्रदेश में आयोजित तिब्बत की मैपिंग प्रदर्शित की गई। नैक्सट क्वेश्चन, भारत ने पहले सोलर रूफ साइकलिंग ट्रैक का हाल ही में उद्घाटन किथे किया। हाँ जी, भारत के पहले सोलर रूफ साइकलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया हैदराबाद के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो तुसी देख सकते हो भारत का पहला सोलर रूफ साइकलिंग ट्रैक जिहड़ा कि 23 किलोमीटर लंबा वा, तो इसका नाम रख्या गया हैल्थ वे। नैक्सट क्वेश्चन, हाल ही विच विश्व पशु कल्याण दिवस कदों मनाया गया, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कदों मनाया गया, 4 अक्टूबर नू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूरी दुनिया के पशुओं के महत्व नू दा वधावा जां पशुओं के महत्व बारे जागरूकता पैदा करन दे लई हरेक साल 4 अक्टूबर नू वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर दिवस मनाया जांदा।
ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਢਾਕਾ। ਕਰੰਸੀ ਆ ਟਕਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਟੋਟਲ 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 26 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਤੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਆ ਸੁਰਮਾ ਨਦੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 7 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਮੀਮ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ICC ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ICC ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕੋਲ 6 ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ICC ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਡੇਜ਼ਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਰੀ ਨੇ T20I ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ T20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ECA ਦੁਆਰਾ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਕਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਟੀਵਨ ਫਿਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ EWS ਲਈ 10% ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? EWS ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਿਹਾਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, EWS ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਪਟਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 22 ਮਾਰਚ 1912 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੈਮੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 69.92 ਮੀਟਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਅਨੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NEP ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
लागू करने के लिए मतलब पहला डेमो लेने के लिए 10 स्कूलों की चोन की आ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर उत्तर प्रदेश। हुण उत्तर प्रदेश ने की आ तो देख सकते हो तुसी मैप दे विच उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल आ लखनऊ, इतों के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और इतों के गवर्नर आ आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के विच दुधवा नैशनल पार्क आ, ये चीत्या के लिए फेमस आ। इतों के फेमस लोग नाच आ झोरा, नौटंकी, कजरी। भारत में सब तो वध बसों वाला राज आ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज प्राप्त की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जायदाद संबंधी समस्यावां घटाने लई गिफ्ट डीड स्कीम शुरू की। प्रयागराज पुलिस ने सीनियर नागरिकां लई सवेरा स्कीम शुरू की। हैमलेस प्ले ने उत्तर प्रदेश विच लखनऊ विच अपना पहला स्टोर खोलिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना शुरू की, इहदी रकम आ जिहड़ी उहदे विच वाधा कीता। नैक्सट है, हाल ही विच ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली औरत कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली औरत बनी आ सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुधा मूर्ति बारे तुसी सुनिया होना, एक लेखक आ, राइटर आ, फेमस। इन्हां दी प्लस वन प्लस टू दे विच आपां नूं स्टोरीज भी आ ते ए इंफोसिस दी सह संस्थापक भी आ ते इन्हां नूं ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने लई चुनिया गया वा ते ए अवार्ड कनेडा ते इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिता जांदा वा। ठीक है, ते देख सकदे हो तुसीं इमेज दे विच सुधा मूर्ति। वहीदा रहमान नूं दादा साहिब फालके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लई सन्मानित किया गया। बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर नूं नॉर्वे च ड्यू अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा डॉक्टर AM गोखले अवार्ड नाल सन्मानित किए गए। लीडिंग फिनटेक परसनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड अदीव अहमद द्वारा जितया गया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विच हाल ही विच 6वें विश्व आफत प्रबंधन कॉन्फ्रेंस का ब्रांड अवेस्डर कौन बनिया? हाँ जी, विश्व आफत प्रबंधन कॉन्फ्रेंस के राजदूत चुने गए हैं अमिताभ बच्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हुण उत्तराखंड के विच चुने गए हैं तो उत्तराखंड की कैपिटल की है? देहरादून। एक समर कैपिटल आ गैरसे। इतों के चीफ मिनिस्टर आ पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर आ गुरमीत सिंह। भारत का पहला नैशनल पार्क आ हैली नैशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 के हुई सी, उत्तराखंड के ही आ। हुण इसका नाम जिम कॉर्बिट नैशनल पार्क आ। उत्तराखंड के हैली नैशनल पार्क आ जिन्हों जिम कॉर्बिट नैशनल बोल देंगे। गंगोत्री नैशनल पार्क आ, राजा जी नैशनल पार्क आ, नंदा देवी नैशनल पार्क आ, वैली ऑफ फ्लावर नैशनल पार्क आ, गोविंद पशु विहार नैशनल पार्क आ। इतों के फेमस लोग नाच आ कामौनी, गढ़वाली, टहरी वन योजना उत्तराखंड राज विच स्थित आ। सब तो उच्ची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड राज विच आ। उत्तराखंड दे विच फुल्लां दी घाटी आ ते इस तों इलावा हरेला पर्ब 2023 उत्तराखंड विच शुरू होया। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सैनानी का माण भत्ता 16,000 रुपए तो वधा के 20,000 रुपए कर दिता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने टोयां की मरम्मत लई पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है। मतलब जेकर तुहानूं किते भी कोई उखली टोहा खड्डा दिख रहा रोड ते बनिया होया तुसीं तुरंत फोटो सेंड करके उहदी इमेज भेज सकदे हो ते उसदा नाल एड्रैस वगैरह मतलब लिख के तुसीं किहड़े रोड ते खड़े हो तां उहदे नाल की आ कि सरकार आ जिहड़ी उह टोयां की तुरंत मरम्मत करवावेगी। ठीक है, ये स्कीम आ इस दे विच। ते नैक्सट क्वेश्चन, हाल ही विच प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने किन्ने लाख स्ट्रीट विक्रेतावां नूं कवर करन दा टीचा प्राप्त किया? हाँ जी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट बैंडर आत्मनिर्भर योजना सीगी, इसने 50 लाख स्ट्रीट विक्रेतावां नूं कवर करन दा टीचा प्राप्त कर लिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ। ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।